Bhutan, Hindu आतंकवाद, अब हिंदू जिहाद, हिंदुत्व ISIS, हिंदुत्व बोको हराम, मारने काटने का नाम हिंदुत्व, और अब ये नया हिंदू जिहाद। मुकेश अंबानी के चैनल न्यूज 18 पर जहर उगलने वाले टीवी एंकर अमन चोपड़ा पर गाज गिरी है। साथ ही साथ अमन चोपड़ा ने अपने विवादित शो से मुकेश अंबानी की भी फजीहत करा दी है। दरअसल न्यूज 18 पर NBDSA ने 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है, क्योंकि एंकर अमन चोपड़ा अपने टीवी शो में जमकर देश में नफरत फैलाने वाली बहस कराते हैं और खुद भी जहर उगलते हैं। उनके कार्यक्रम का नाम भी काफी विवादित होता है और जो टिकर उनका चलता है टीवी चैनल पर उनके शो के दौरान, वो भी काफी जहरीले होते हैं। इसी कड़ी में NBDSA ने पाया कि अमन चोपड़ा और न्यूज 18 ने कोड ऑफ एथिक्स का उल्लंघन किया है और साथ ही साथ जिस शो को अमन चोपड़ा होस्ट कर रहे थे और जो डिबेट शो वह संचालित कर रहे थे उस शो में जहर उगले जा रहे थे, लेकिन अमन चोपड़ा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे थे और जहर फैला रहे थे, नफरत भड़का रहे थे, लिहाजा NBDSA ने उन पर कड़ी कार्रवाई कर दी है। NBDSA ने जो आदेश जारी किया है उसके हिसाब से आप अपने स्क्रीन पर देखिए, कहा जा रहा है कि NBDSA स्ट्रॉन्गली डेप्रिकेटेड द टेंडेंसी ऑफ द ब्रॉडकास्टर टू एसोसिएट दोज पैनलिस्ट हु वेयर इन फेवर ऑफ वियरिंग हिजाब बाय द स्टूडेंट्स विद जवाहिरी एंड लेबलिंग देम एज जवाहिरी गैंग मेंबर, जवाहिरी एम्बेसडर, जवाहिरी इज योर गॉड, यू आर बिग फैन। मतलब साफ है कि इस शो में साफ साफ अलकायदा से हिजाब को ताल्लुक किया जा रहा था, उसे जोड़ा जा रहा था। कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन टीवी डिबेट शो कराया गया था, एंकर अमन चोपड़ा इसे होस्ट कर रहे थे और इस दौरान पैनलिस्ट में जो लोग बैठे थे वह इस तरीके के शब्दों का प्रयोग भी कर रहे थे, जवाहिरी गैंग मेंबर, जवाहिरी एम्बेसडर जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, जिससे आपत्ति जताई गई। और अब जब मामले की जांच हुई है तो NBDSA ने कोड ऑफ एथिक्स का उल्लंघन पाया है और कार्रवाई की है। NBDSA ने कहा कि NBDSA also did not find any justification in linking those panelists persons who were supporting hijab with Al-Qaeda by airing tickers stating hashtag Al-Qaeda gang exposed, hijab ka phata poster nikla Al-Qaeda, Al-Jawahiri found behind the hijab and Al-Qaeda has planned the hijab controversy। ये सारी चीजें इसमें साफ साफ दिखाई गई हैं। इसके बाद आदेश यह जारी हुआ है, लाइव लॉज के ट्वीट को भी देखें तो यह कहा गया है कि इन सब घटनाओं को होते देखा गया, न ही चैनल ने कोई इसमें संवेदनशीलता दिखाई, न ही अमन चोपड़ा ऐसे पैनलिस्ट को भड़काऊ बयान देने से रोक रहे थे, इस कारण इस चैनल पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। लाइव लॉज के मुताबिक जो आदेश जारी किया गया है NBDSA पर, NBDSA ने साफ साफ अमन चोपड़ा को चेतावनी दी है, न्यूज चैनल न्यूज 18 को भी कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि 7 दिनों के भीतर उस विवादित कार्यक्रम के तमाम वीडियो फुटेज आप टीवी चैनल के फॉर्मेट से हटाएं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाएं, हर जगह से उसे रिमूव करें, और फ्यूचर में भी अगर इस तरह की कोई विवादित टिप्पणी की जाती है और ऐसे शो कराए जाते हैं जिससे कि मामला भड़क सकता है, भावनाएं आहत होती हैं या आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे में अमन चोपड़ा को NBDSA के सामने पेश होना पड़ेगा और उस पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में यह एक बड़ा मैसेज है। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा था कि एंकरों की जिम्मेदारी होती है टीवी चैनल्स पर, न्यूज चैनल्स पर, कि कोई पैनलिस्ट अगर भड़काऊ भाषण दे या कुछ भी डिबेट के इतर जाए तो उसे रोकें, उस शो को सही से ट्रैक पर लाएं, ऐसा नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अब अमन चोपड़ा सरीखे तमाम ऐसे एंकर को भी अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि NBDSA अब हरकत में आया है, ऐसे चैनलों पर ऐसे एंकर पर गाज गिराई जाने लगी है।